जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, बीएड फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, शैक्षिक तकनीकी एंड आईसीटी। इसके फर्स्ट यूनिट में आपको कंप्लीट क्या पढ़ना है, यानी कि फर्स्ट यूनिट का सिलेबस क्या है, पिछले 5 सालों में इस यूनिट से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पढ़ना है और कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो कंप्लीट हम सिलेबस को देखेंगे आज। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में दोस्तों। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आपको इसमें फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, और हम यहाँ पे बात कर रहे थे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी। अब आइए नजर डालते हैं इसके सिलेबस में कि आपको यूनिवर्सिटी ने आपके सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट रखे हैं, आपको कंप्लीट पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सिलेबस में आपको टोटल 3 पॉइंट पढ़ने हैं। 3 पॉइंट्स में पहला आपका पॉइंट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि शैक्षिक तकनीकी। ओके, दूसरा आपका है ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज, तीसरा है आपका थिंकिंग स्किल। ओके, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मीनिंग क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, कॉन्सेप्ट इसकी अवधारणा क्या होती है, स्कोप यानी कि इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, कौन कौन से फील्ड में, कौन कौन से स्कोप्स में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, और इसका सिग्निफिकेंस यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर क्यों यूज किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के टाइप्स, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अप्रोचेस, इन सबको भी इसी वीडियो में हम देखेंगे पॉइंट बाई पॉइंट, अपने आसान से शब्दों में उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि आपके विश्वविद्यालय ने इस सब्जेक्ट्स के फर्स्ट यूनिट में आपका दूसरा पॉइंट ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज रखा है, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, बीएड में आप टीचर बनने की ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, या एक ट्रेनिंग कोर्स है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप यहाँ पे शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे आपको कुछ मेथड्स, कुछ ट्रेनिंग स्ट्रेटजी सिखाई जाएगी जो कि आपको अपने क्लासरूम में यूज करना है, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पर पहला आपका है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, प्रदर्शनी विधि। जैसे जब भी हम पढ़ाते हैं उसके साथ साथ उस चीज को हम दिखाते हैं, प्रदर्शन करके दिखाते हैं ना, तो वो आता है आपको डेमोन्स्ट्रेशन के अंतर्गत। तो ये एक आपकी ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, और सेम चीज़ सभी टॉपिक के साथ यही पढ़ना है कि ये होता क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके यूज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहला आपका है डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शनी। दूसरा प्रोग्राम लर्निंग, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम अधिगम कहते हैं, किस प्रोग्राम से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे लेसन प्लान बनाना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। अब डेवलपमेंट, अब प्रोग्राम लर्निंग में आप इसको कैसे डेवलप करेंगे, प्रोग्राम लर्निंग को कैसे आप डिज़ाइन करेंगे, उसके क्या क्या मटेरियल्स यूज होते हैं, उसके लीनियर एंड ब्रांचिंग के बारे में आपको पढ़ना होता है इस पूरे यूनिट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही आसान भी है। इंट्रैक्शन एनालिसिस, इंट्रैक्शन से ही आपको समझ में आ रहा है कि एक दूसरे से इंट्रैक्ट करना, एक टीचर एक स्टूडेंट से जब इंट्रैक्ट करके बात व्यवहार करके टीचिंग करता है, उस स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ना है कि इंट्रैक्शन एनालिसिस क्या होता है। इंट्रैक्शन एनालिसिस का मतलब विश्लेषण, कैसे हम विश्लेषण एक दूसरे से बात करके बच्चों को सिखा सकते हैं, कैसे उनके बारे में जान सकते हैं, उनकी कमियों को पता लगा सकते हैं, और कैसे उनको ज्ञान की बातें बता सकते हैं। ठीक है, ओके, सिमुलेशन एंड माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग तो आपने किया भी होगा अपने कोर्सेज में, कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, कितनी देर की होती है, इसमें क्या क्या सावधानियां रखने हैं, इसके उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या है, इसके फायदे क्या, इसके विशेषताएं क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। दोस्तों ये कंप्लीट, तो ये बात तो हो गई आपके कंप्लीट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कंप्लीट के बारे में, कंप्लीट फर्स्ट यूनिट, यही आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से मैंने निकाला है। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की ये जो सारे पॉइंट है ना, तो इसमें किस तरीके से पिछले साल के सवाल पूछे, केवल पिछले साल नहीं, पिछले 4-5 सालों में कौन कौन से पॉइंट से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। ओके, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, स्कोप्स एंड सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पे सबसे पहला आपसे सवाल ये बनता है कि शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं, या फिर शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा बताइए। तो देखो, शैक्षिक तकनीकी सिंपल सी बात है, मैं वेरी शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर हम एक ही वीडियो में इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहले अब मैं शब्दों को समझ लेते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इंट्रोडक्शन में हम केवल शब्दों को समझ लेते हैं कि आपके पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, फिर उसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आपको प्रॉपर नोट्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी, दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन सा, शैक्षिक और तकनीक। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है ना कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का इस्तेमाल, शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज नोन एज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी।
इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों का प्रयोग। इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से अगर आप लिखना चाहेंगे तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान एवं सिद्धांतों का प्रयोग करके शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्रिया शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। इस क्रिया में जब भी आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, अगर आप किसी बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, उस ब्लैक बोर्ड के अलावा अगर आप स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, जहां पे अगर आप ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं, उस एप्पल को दिखा रहे हैं, तो वो बच्चा जल्दी समझ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। आपने मिनिमम इनपुट लगाया, आपके थोड़े से इनपुट से आपका आउटपुट मैक्सिमम होता है, आपके थोड़े से एक्शन से रिएक्शन ज्यादा होता है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों को आसानी से और बेहतर तरीके से प्राप्त करने के लिए, शिक्षण विधि को रोचक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चों के अस्थाई ज्ञान देने के लिए जो ज्ञान और विज्ञानों का प्रयोग करते हैं उसी को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बस इन्हीं शब्दों को आप चीजें तो समझ गए हैं कि एजुकेशन में हमें टेक्नोलॉजी यूज करना है, एजुकेशन में हमें साइंस यूज करना है, तो यही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, प्रॉपर आपको नोट्स दिया जाएगा, बिल्कुल घबराइए मत। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो थोड़ी सी मिसकंसेप्शन होती है, वो ये है कि जब हम ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी तो समझ में आती है, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, वो क्या है, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, साइकोलॉजी। मनोविज्ञान भी एक प्रकार का विज्ञान है। उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, किसी बच्चे का मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो हम कारण जानेंगे, आखिर क्या बात है, क्या वजह है कि ये बच्चा पढ़ने से कतरा रहा है। उस कारण को जानने के बाद उस कारण को हम दूर करेंगे मनोवैज्ञानिक तरीके से। एक एग्जाम्पल तौर पर, कोई बच्चा क्लासरूम में बहुत चुपचाप रहता है, बहुत ज्यादा बातें नहीं करता, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, ठीक है, बहुत कम वो अपना होमवर्क या फिर काम करके आता है। आप एक काम करिए ना, उसकी तारीफ करना शुरू कर दीजिए क्लास में, आप उसको मोटिवेट करिए। वो जब भी नोट्स चेक, अरे वाह बहुत अच्छा आपने, वेरी गुड, आप उसके नोट्स को, उसको अंदर से ऐसा लगेगा कि वाह मैं भी, मतलब उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और क्लासरूम में लगेगा कि वाह मेरी यहाँ पे रिस्पेक्ट की जा रही है, मेरी तारीफ की जा रही है, तो वो बच्चा एक्टिव हो जाएगा। और ये जो आपने काम किया ना मोटिवेट करना, ये साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का पार्ट है। तो मनोविज्ञान का भी यूज करना क्या होता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होता है। तो ये सारी चीजें आती हैं बच्चों शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा के बारे में। ठीक है, अगर अर्थ के बारे में तो शाब्दिक अर्थ, जैसा मैंने आपको बताया, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल। इसी प्रकार से परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं, क्षेत्र। उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए, लंबे समय तक समझने के लिए, रिविजन करने के लिए। एक वर्ड यूज किया जाता है कि संरक्षण के लिए, मतलब सेव करने के लिए, एक एक्सप्लोर करने के लिए, दूसरों तक फैलाने के लिए। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट है। आप यहाँ से सीख रहे हैं, जब चाहे सीख सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं, कर दीजिएगा अगर पसंद आ रही हो तो। ठीक है, क्षेत्र की बात करें, कौन कौन से फील्ड में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज होता है, पढ़ाने में यूज होता है, ये तो हम सब जानते हैं कि चलो बच्चों को पढ़ाना है उसमें यूज होता है। इसके अलावा बच्चों के इवैल्यूएशन, मूल्यांकन में यूज होता है, उनके एग्जाम्स में होता है, परीक्षण में होता है, टेस्ट में, प्रैक्टिकल में, उनके प्रोजेक्ट में, बहुत सारी चीज़ों में उनका क्या होता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ऑब्जेक्ट्स के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, इसके निर्धारण करने में, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारण करने में भी क्या होता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई बच्चों, आपको इसमें पढ़ना है। मैंने बहुत स्लाइटली आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है, ताकि हम अगले वीडियो में जब जाएंगे तो आपको मजा आएगा और हम और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए, एक पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है, मैं आपको वो भी बताता चलूँ। ये है बच्चों शैक्षिक तकनीकी के उपागम, कठोर उपागम, कोमल उपागम और प्रणाली उपागम। दोस्तों कई बार आपसे सवाल पूछता है, और ये जो सवाल है ना आपके लॉन्ग आंसर में आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा, बाकी तो हम इसको नोट्स के तौर पर देखेंगे ही। उपागम का मतलब, अप्रोच का मतलब क्या होता है, देखो अप्रोच का मतलब होता है ना किसी के जरिए वहां तक पहुंच जाना। ठीक है, कठोर उपागम, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सॉफ्टवेयर अप्रोचेस होते हैं, जैसे हार्डवेयर, जब कठोर की बात करें तो हार्डवेयर। ठीक है, इसको प्रथम उपागम भी कहते हैं। जैसे ये मोबाइल है, ये गैजेट है, ये डिवाइस है, इसको आप छू सकते हैं, ये हार्डवेयर पार्ट में है तो आप इसको छू सकते हैं। तो वो तकनीकें जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस तकनीकी का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में वो किसके अंतर्गत आती है, कठोर उपागम। और जैसे मैंने आपको बताया, फीडबैक लेना, बच्चों का फीडबैक लेना कि वो कैसा पढ़ रहा है, उसको मोटिवेट करना, उसको इनाम देना, रिवॉर्ड करना। पनिशमेंट तो हम नहीं कहते हैं, मगर हम एक टर्म यूज कर लेते हैं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते। आपने किसी बच्चे को मोटिवेट करा, आपने उसको समझाया, आपने उसका फीडबैक लिया, आपने उसको सिंपैथी दी, तो ये सारी चीज़ें आप देख नहीं सकते, ये मनोविज्ञान है। तो ये किसके अंतर्गत आती है,
कोमल उपागम। जब हम नोट्स लेंगे ना तो उसमें एक चीज यहाँ पे यूज किया जाता है कि देखो शिक्षा के क्षेत्र में भौतिकी ज्ञान और विज्ञान का प्रयोग कठोर उपागम के अंतर्गत आता है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक ज्ञान एवं विज्ञान का प्रयोग किसके अंतर्गत आता है, कोमल उपागम के अंतर्गत आता है। और ठीक वैसे ही हार्डवेयर अप्रोच सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब क्या होता है कि सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब होता है इन दोनों के बीच की कड़ी, मतलब आप यहाँ पे बात देनी है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल, इन दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है सिस्टमेटिक अप्रोच को, सिस्टमेटिक अप्रोच को। तो ये हो गया दोस्तों कंप्लीट आपके फर्स्ट यूनिट को सिलेबस मैंने एक्सप्लेन करा। मेरी कोशिश ये नहीं थी कि इस वीडियो में मैं आपको ये पढ़ाऊँ, नहीं, मैं आपको ये बताऊँ कि आपको पढ़ना क्या है आपसे सब। और यकीन माने अगर इतनी चीज़ों को आप पढ़ लेते हैं ना आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, इससे बाहर का कुछ नहीं आने वाला है। तो हम एक काम करेंगे, देखिए हम आपको एक वीडियो में अभी बिल्कुल इसके तुरंत बाद आपको एक वीडियो मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया गया, उसकी मीनिंग, कॉन्सेप्ट, स्कोप और सिग्निफिकेशन, और इसके अलावा जो भी अप्रोचेस हो गए हैं, इसके टाइप्स हो गए, उन सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया होगा। एक ही वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया होगा, आप उसको देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। उसके बाद दूसरे वीडियो में ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज और थिंकिंग स्किल्स के बारे में वन बाय वन देख लेंगे, और इस प्रकार से आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। वाओ, कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। सो इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने से थोड़ी सी रीच बढ़ती है वीडियो को, और मेरे पढ़ाने का तरीका या फिर समझाने का तरीका, अगर आपको लगता है कि मैं आगे और आपकी हेल्प कर पाऊंगा, वेरी जेन्युइनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर आपको लगता है कि मैं आगे आपकी हेल्प कर पाऊंगा, तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और अपने और दोस्तों तक शेयर करिए, उनको भी इस चैनल से जोड़िए, एक टीम बनाते हैं। आप कितना अच्छा होना कि अगर आपके विश्वविद्यालय के सभी बच्चे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे हो, कोई कमेंट कर रहा है, पता चला वो आपके कॉलेज का ही है, तो अच्छा लगता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है, अच्छे से पढ़ाई होती है, ठीक है। सो शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज ग्रुप में, सिंपल अपने कॉलेज ग्रुप में भेज दीजिए, क्योंकि वैसे भी आपके कॉलेज ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आपने एक अच्छी चीज़ें भेज दी तो वाह, अच्छी बात है ना। सो चलें, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो में हम इसके आंसर्स को देखेंगे, और मुझे उसके लिए आप सभी का बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपकी तरफ से ज़रूर मिलेगा। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, वक्त है आपसे विदा लेने का। अगला वीडियो देखना ना भूलें, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।